अभी हम वायर की ट्रेनिंग करना स्टार्ट करेंगे। जो हमारा थिम्बल है उसको हम ट्रेनिंग करेंगे। तो ट्रेनिंग करने से पहले सबसे पहले हम क्या करेंगे, वायर को थिम्बल को चेक कर लेंगे कि अच्छे से लगे होने चाहिए, ठीक है। उसके बाद हम क्या है, इन वायर को हम फ्लक्स पॉट में डिप करेंगे। फ्लक्स पॉट में डिप करने के बाद हम वायर को शोल्डर पॉट में डिप करेंगे। शोल्डर पॉट में डिप करने के बाद हम जो एक्स्ट्रा सोल्डर उसको झाड़ लेंगे और उसके बाद हम वायर में ट्रेनिंग को चेक कर लेंगे कि अच्छे से हुई है या नहीं है, ठीक है। सोल्डिंग करते टाइम, डिपिंग करते टाइम ये हम ध्यान रखेंगे जो हमारी पीवीसी है वो शोल्डर पॉट में, शोल्डर पॉट में ज़्यादा डिप ना हो, तो उससे क्या हो सकता है कि हमारी जो पीवीसी है वो डैमेज हो सकती है।